नमस्कार, मैं अनुभव यादव। अनुभव स्टडी एजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कोरोना वायरस हमारे देश में कितनी भयंकर रूप धारण कर लिया है। उससे लड़ने के लिए हमारे देश की सरकार, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के डॉक्टर लगे हुए हैं। कितनी कड़ी मेहनत, 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर। और जो कोरोना है, इसके कौन कौन से सिम्टम होते हैं, इस समय कुछ कोरोना के नए सिम्टम आ जा रहे हैं, कुछ पुराने हैं। जो कोरोना के नए सिम्टम है, जैसे जैसे जीभ पर धब्बे बनना और स्किन पर जलन होना, और मतलब स्किन पर जलन होना और स्किन पर जैसे कि स्किन पर लालिमा छा जाना, स्किन पर लाल हो जाना, आँखों में आँखें लाल हो जाना, इन सब नए लक्षण हैं। पेट में दर्द होना, दस्त आना, ये सब लक्षण नए हैं जो कि कोरोना वायरस है से जो ग्रसित लोग होते हैं, जो कोरोना वायरस के ग्रसित लोग हैं, जो कि उनमें जो पुराने लक्षण हैं उनमें तेज बुखार आना और खांसी आना, जुखाम आना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ होती है, और जैसे सिर में तेज दर्द होना, और जैसे सामान्य लक्षण होते हैं जैसे दस्त लगना और स्वाद का पता न चलना, जैसे स्वाद गंध का पता न चलना, कौन सा स्वाद क्या है, कैसा नहीं है, और त्वचा पर, चेहरे पर या त्वचा पर दाने, फुंसी निकलना, ये सब सामान्य लक्षण है कोरोना। अगर किसी को कोरोना सम्मान भारत में सामान्य तौर पर सर्दी जुखाम बुखार तो आम लोग को भी होता है, हालांकि उसे कोरोना नहीं कहा जाएगा। जो उससे बचने के लिए आप सावधानी बरतें, जैसे कि आप सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग मतलब सामाजिक दूरी बनाए रखें, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें सामाजिक दूरी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क ग्लव्स लगा कर निकलें, और घर से मतलब उसके बाद अगर फिर आ रहे हैं मार्केट से तो आप घर साबुन से या तो अल्कोहल से या तो सैनिटाइजर से आप हाथ को अच्छी तरह से धो लें। सबसे पहले आप सैनिटाइजर अल्कोहल से धो लें, फिर उसके बाद साबुन से धो लें अच्छे से। संभव हो तो आप अच्छे से नहा लीजिए पूरे, और आप घर से बाहर कम से कम आवश्यक काम पर ही निकलें घर से बाहर। अगर घर से बाहर निकल रहे तो मास्क और ग्लव्स लगा कर निकले। अगर आपको छींक आती है तो आप टिश्यू पेपर का प्रयोग करें, या तो आप हथेली का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ऐसे नहीं छींक आती है तो आप हथेली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और टिश्यू पेपर का प्रयोग कर रहे हैं तो टिश्यू पेपर को उसके बाद उसे डस्टबिन में डाल दें, तुरंत उसे डस्टबिन में डाल दें, उसे कोई टच ना कर पाए। और जो कोरोना है, कोरोना COVID-19 जो है, इसकी जो मृत्यु दर है, इसका मृत्यु दर जो है 0.66% है लगभग में, जो कि ये स्वाइन फ्लू से 0.1% अधिक है। ये कोरोना जो हमारे देश में बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया है। इससे लड़ने के लिए हम सबको आगे निकलना होगा, युवा लोग को, और अब गरीबों को, गरीब मंदे लोग को भोजन, अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराना, जैसे भोजन उनको दिलाना देना, नगर कस्बे में अगर कोई गरीब है तो उसको भोजन दिलाना, और सारे आप काम सामाजिक कार्य कर सकते हैं। और आप जो कि कोरोना से बचे और अपने परिवार को बचाएं, अपने घर को बचाएं, अपने गांव को बचाएं, एक आदमी बचेगा तो सबको बचाएगा। सभी लोग सावधानी बरतें, और जब तक इसकी कोई दवा ना आ जाए कोरोना की, तब तक आप सामाजिक दूरी बनाए रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, और आप ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें। और आप जैसे कि अगर आप घर में हैं तो आप एसी का और कूलर का प्रयोग ना करें,
और आप जैसे खान पान के लिए आप कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग ना करें, इससे ठंडे पानी का प्रयोग कम से कम करें, और गर्म पानी आप ज़्यादा ज़्यादा पिए, काढ़ा बनाकर ज़्यादा पिए, और गर्म पानी काढ़ा चाय पीजिए दिन भर में 3-4 बार काढ़ा बनाइए, और सुबह से लेकर शाम तक गर्म पानी पीजिए, आदत डाल लीजिए गर्म पानी की। और जो कोरोना है, कोरोना से अब घबराए ना, कोरोना से घबराए ना, अफवाह वीडियो फैलाते जा रहे हैं, देख रहे हैं आजकल, आजकल अफवाह वीडियो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, और अफवाह में आप मत आइए, आप संयम धैर्य बनाकर रखिए, आप जहाँ हैं वहीं पर रहिए, आप कहीं जाने की कोशिश ना करें। दोस्तों अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, हो सकता है कि अब जाने में आपको कुछ न कुछ कोरोना के लक्षण सिम्टम निकल जाए, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पर रहें। और रही बात भोजन की, तो भोजन के लिए आप एक बार मार्केट जाएं, जैसे आप सोयाबीन ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, चना ले सकते हैं आप, हल्दी, ये सब रख कर स्टोर कर सकते हैं आप घर में, और आप स्टोर कर लीजिए, आप कम से कम 1-2 महीने का स्टोर कर लीजिए, आप उसको आराम से भोजन करिए, और कोरोना से लड़िए, कोरोना से बचिए, कोरोना से बचेंगे तभी सबको बचाएंगे आप। धन्यवाद दोस्तों।